जो फलदार दरख्त होता है, शजर होता है, तो उसको जो पानी देता है वो भी फल खाता है, जो पत्थर मारता है वो भी फल खाता है। तो अगर दरख्त ये ठान ले, तय कर ले कि भाई जो मददगार है, समर्थक है, जो जिन्होंने पानी दिया वही सिर्फ फल खाए, तो फिर क्या होगा, फल सड़ने लगेंगे। कैसे, अगर दरख्त को फलते फूलते रहना है तो दोस्त या दुश्मन जो फल खाना चाहता है उसको खाने देते रहना चाहिए। ऐसे ही आप देखिए कि मेरे बहुत से विरोधी है जो मेरे खिलाफ में बोलते रहते, लेकिन जब उनका कहीं काम अटकता है किसी कार्यालय में किसी अधिकारी के पास, तो वो मेरा नाम लेकर अपने काम निकलवा लेते हैं, मुझे सूचना मिलती रहती है। कुछ लोग हजारों का, तो कुछ लोग लाखों रुपए का जो काम मेरे नाम के ऊपर जो है करवा ले रहे हैं। कुछ दोस्त के तौर पर भी जो आसपास में रहने वाले लोग हैं वो अच्छे बड़े बड़े काम करवा के ले लेते हैं और वक्त में मेरी मुंडी अटका देते हैं, है ना। दोस्त अपने आप को कहते हैं, लेकिन कहीं मसला हो गया, सभी काम जो है तो व्हाट्सएप फोन पे करवा लेते हैं, और जब मेरा कुछ काम रहता तो बोलते भाई मिल के करेंगे, अब कब मिलेगी, कौन सा शुभ मुहूर्त आएगा मिलने का। तो लोग मुझे कहते रहते हैं जो अच्छे मतलब करीबी लोग कि भाई आपके नाम के ऊपर कुछ लोग जो है तो ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, मुझे काम निकलवा के ले लेते हैं, है ना। कुछ विरोधी भी नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं इतना बारीक बारीक सोचता रहूँगा तो फिर आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। पर देखो, जब आपका नाम बढ़ रहा है, आपके कॉन्टेक्ट बढ़ रहे हैं, तो कुछ लोग अगर आपका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका भला हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। किसका अगर मेरी वजह से फायदा हो रहा हो, दोस्त हो या दुश्मन, विरोधी हो, वो मेरे खिलाफ में काम करता हो या साथ में काम करता हो, जो भी हो, अगर किसी का मेरे से भला हो रहा है तो मेरे लिए खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है। और कैसे है, अगर कोई नमक हराम हो तो उससे आप एहसान मंदी की तवक्क नहीं कर सकते, वरना फिर कैसे कि आपको जलते कूदते रहना पड़ेगा कि भाई हमने उससे इतने एहसान किए, इतनी मदद करे, ऐसा करे वैसा करे, और ये हमारी मदद नहीं कर रहा है। तो कैसे हमें निस्वार्थ भाव से बस मदद किए जाओ, समाज को बेहतर बनाते जाओ बनाते जाओ। अगर हम किसी से अपेक्षा रखकर काम करेंगे कि भाई हम इसकी मदद कर रहे हैं, इसने भी हमारी मदद करना, और वो मदद नहीं करता है, तो हमारी मानसिक तनाव होता है, टेंशन होता है ना। तो कैसे है, नेकी कर दरिया में डाल जो कहा जाता है, इस तरह करते रहना चाहिए। अगर हमारी वजह से किसी का भला हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, तो हो रहा है तो अच्छी बात है, है ना। और किसी से कोई उम्मीद नहीं रखना चाहिए, बस नेक काम करते जाओ, है ना, आगे बढ़ते रहो। किसी जैसा जो फल है तो सभी लोग खाते रहे, खाते रहे, खाते रहे, अगर हम उस पर रोक लगा दें तो फिर फल सड़ेंगे।